रेल संस्थान गुना परिसर। तो जैसा कि आपने देखा, ये रेलवे का क्रिकेट स्टेडियम है उस पार्ट, जिसके यहाँ पे बॉर्डर है तो दिख नहीं रहा है, आगे से दिखाऊंगा मैं आपके लिए। तो गाइस, मैंने सोचा कि गुना के बारे में थोड़ा स्टेशन के रेलवे स्टेशन के बारे में और देख लेते हैं अपन, कैसा क्या है यहाँ। अभी अपने बगल में रेलवे स्टेशन है, सामने अपने रेलवे स्टेशन है ये, और ये बगल में क्रिकेट स्टेडियम है, और यहाँ पर बैडमिंटन ग्राउंड है। इतनी सारी गाड़ियाँ पार्क हैं यहाँ पर, शायद रेलवे के वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयर्स, जैसे कि आप स्टेडियम देख सकते हो यहाँ से, शानदार स्टेडियम का नज़ारा। यहाँ पे विराट कोहली ने 6 छक्के मारे, युवराज सक्सेना ने 7 मारे, और 0 पे सब आउट, काम खत्म। शानदार स्टेडियम है यहाँ पे, देख सकते हैं, और वहाँ पे रेलवे स्टीम इंजन भी है, बैनर लगा हुआ है। टाइम पास करते हुए अपन, ये ऑटो स्टैंड जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो स्टैंड है, वहाँ से भी रोड है, छुट्टी हो गई वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत शानदार पेंटिंग वगैरह है, हर एक पेंटिंग अलग अलग चीज़ों को शो करती है, कि जैसे कि अभी बुद्धा है, वहाँ पे टाइगर की फ़ोटो थी, यहाँ पे कैमल है, और कैमल है डांस, यहाँ पे नृत्य, और हर एक पेंटिंग अलग अलग चीज़ों के बारे में शो करती है। वो आप यहाँ देख सकते हो, पुराने ज़माने का स्टीम का इंजन, यहाँ पे इसको पेंट किया हुआ है, और कब से रखा है किसी, मेरे को नहीं पता भाई, किसी को दो अपने को इसके बारे में डिटेल नहीं है। अपन अभी ऊपर नहीं चढ़ रहे, अगर मैंने देख लिया तो अपने को नहीं, यहीं से देखते हैं अपन चीज़ें के बारे में। YG4143 स्टीम इंजन, जैसे कि आप देख रहे हो, कोयले वाला इंजन है, भाप से चलने वाला, मतलब भाप से चलने वाला हम वही कह सकते हैं, ये पहले के ज़माने में चलते थे, इतना कर रहा इंजन है। ये पीछे बस बोगी रहती है कोयला रखने के लिए, और कुछ काम की बोगी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने रखूँगा एक कोयले का इंजन, शानदार तरीके से लग रहा है ये। अब पता नहीं है ये रियल है कि आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, लगता तो रियल है, तो मेरे को आइडिया नहीं है कुछ भी तो, पर यहाँ पे पूरा वैसा बताया हुआ है कि ऐसे पुराने जमाने में इंजन रहते थे, अपन ने तो देखे नहीं, अपन जो फोटोग्राफ और पढ़ा हुआ है वो है, व्हील्स और ट्रेन में भी देखी हुई हैं जो चीज़ें। अमूल लस्सी पियो, गर्मी लग रही है बहुत देर से, यहाँ पर अपन जा रहे हैं। बस यहाँ पे अपन चल चुके हैं स्टेशन को, पी रहे हैं अमूल लस्सी आप लोग। ये पूरा सेटिंग लॉन्च है, सेटिंग के लिए यहाँ पे यात्रीगण कृपया बैठ जाएं, आपकी ट्रेन कुछ देर बाद आने वाली है। ये स्टेशन यहाँ पे एक 3 स्टेशन है, यहाँ पर जाते हुए तो ट्रेन ले ली, पूरा खाली, कोई भी ट्रेन नहीं है अभी। अपन सभी यात्री देख सकते हैं, लोग वहाँ दूर दूर से आए हैं, कहाँ कहाँ जाना है किसी को पता नहीं, मेरे को नहीं पता, उनको पता है, हर कोई को अपना अपना पता है कहाँ पे कहाँ जाते हैं अपन। और वहाँ पे अपन स्टेशन पे हैं अभी, ये इंस्पेक्टर रूम है, और इसी के उस साइड अपन टिकट काउंटर था, मैंने बताया था अभी जॉब के लिए, अभी भी एक बार बताता हूँ, टिकट काउंटर ये है, जैसे कि बुकिंग कॉमर्शियल एम्प्लॉयर है, लॉन्च
ये अपना टिकट काउंटर है, देख सकते हैं आप। ये क्या है, कोई बता सकता है? पंखा चलने वाला नहीं, मैं समझ गया इसको क्या है। ये है चरखा। नानी जी को चरखा। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1917 साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद। और पिए जल, आगे कैंटीन भी है, अपन कैंटीन जाते हैं, देखते हैं कैसा क्या कैंटीन है। और ये ब्रिज है, जीने हैं, जीने जीने है काई के ब्रिज के उस साइड जाने के लिए, सेकंड और थर्ड नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। जैसे वो सामने देख रहे हो आप, सामने है ये अपना कैंटीन है। माउंटेन डी, मिरिंडा, बहुत सी चीज़ें रखी हुई है भाई। चिप्स भी हैं, आकाश के चिप्स लेंगे अपना भी। ये वाली है कितने रुपये की? 15 चुकी हैं ब्लू वाली, 10-15 रुपये बताया तो मेरे को कन्फ्यूज़ हुआ भाई। फिर MRP देखिए, अपन ने 15 ही लिखा हुआ उस पर MRP में। कन्फ्यूज़ क्यों हो गए? क्योंकि अपन ने खाई 10 वाली चिप्स, आकाश में ये वाली जब भी खाई, 10 अपन ने खाई नहीं कभी ज़्यादातर, कोई नहीं, 15 वाली भी खा लेंगे आज, अच्छी लगती है पर ये चिप्स। बढ़िया कैंटीन है, गुना स्टेशन भी बढ़िया मज़ेदार है, आप बैठे रहो, टाइम पास करते रहो थोड़ा थोड़ा। चलो अभी अपन खाते हैं इसको और बैठते हैं, यहीं बैठेंगे बाहर स्टेडियम में, बढ़िया वहाँ पे कोई और भी बैठे हुए क्या। तो गाइस आकाश ने वाले चिप्स खोल लिए, अपन खा रहे हैं मज़े से बैठे।